वेलकम टू सीजी शिक्षा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 12 चैप्टर के अंतर्गत में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक फर्स्ट तक को देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम लोग देखते हैं x का पावर sin x + x का पावर tan x के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं। क्लियर? तो यहां भी आप लोगों को उसी को फॉलो करना है जो आप लोगों को यहां पर sin x के बेस जो फॉलो किए थे कि sin x = आप लोगों के बेस पे क्या होता है 1 cos x, ये चीज को फॉलो किए थे ना। और cos x = क्या होता है आप लोगों के बेस पे 1 sin x, और यहाँ पर साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, और यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1, और 1 कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 1 साइन एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर इस चीज़ को भी आप लोग 1 करके लिख सकते हो, जैसे कि फर्स्ट के बेस पे है, या आप लोग सेकेंड के बेस पे है, या आप लोग थर्ड के बेस पे है, या आप लोग फोर्थ, या आप लोग फिफ्थ, या आप लोग सिक्स के बेस पे। क्लियर? तो साइन एक्स इक्वल टू 1 कोसेक एक्स या 1 कोसेक एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इस चीज़ को आप लोग यहाँ से कर सकते हो भाई, 1 के बेस पे कर सकते हो इस चीज़ को। क्लियर? तो यहाँ से इस क्वेश्चन के बेस पे भी आप लोग इस चीज़ को करना चाहेंगे तो यहाँ से आप लोग इस चीज़ को कर सकते हो कि यहाँ पर आप लोग क्या हो जाएगा, साइन के बेस में अगर करना चाहोगे तो साइन के बेस में भी कर सकते हो, कॉस के बेस पे करना चाहोगे तो कॉस के बेस पे भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर साइन एक्स इक्वल टू क्या है 1 cosec x, यह बोल सकते हैं 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, या फिर साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, और 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, या साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, और 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, और साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, और 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, ये होता है। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 cosec x, और 1 cosec x इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स होता है। उसी प्रकार cosec x इक्वल टू 1 sin x होता है, 1 sin x इक्वल टू cosec x होता है। उसी प्रकार cosec x इक्वल टू 1 sin x होता है, और 1 sin x इक्वल टू cosec x होता है। यहाँ पर इस चीज को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, cosec x इक्वल टू 1 sin x होता है, 1 sin x इक्वल टू cosec x होता है, cosec x इक्वल टू 1 sin x होता है, 1 sin x इक्वल टू cosec x होता है, उसके बाद sin x इंटू cosec x इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? चलिए, या फिर कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1 होता है, या फिर 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स होता है, या 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स होता है। तो कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, या 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स, 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, या 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, या 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1 sin x इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1 cosec x इक्वल टू 1 sin x, साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, तो 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, तो साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1, कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1, 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, और साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं कि साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इक्वल टू 1, कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1, 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स, 1 sin x इक्वल टू कोसेक एक्स, कोसेक एक्स इक्वल टू 1 sin x, 1 cosec x इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स इक्वल टू 1 cosec x, कोसेक एक्स इंटू साइन एक्स इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन के बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं। यहाँ से अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से मानते हैं भाई, मान लेते हैं कि माना कि y इक्वल टू, यहाँ से मान लेते हैं, चलिए यहाँ से इस चीज़ को मान लेते हैं, माना कि y इक्वल टू, माना कि y इक्वल टू, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, माना कि y इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा x के पावर sin x प्लस x के पावर tan x, ये हो जाएगा। माना कि y इक्वल टू x के पावर साइन x प्लस x के पावर tan x हो जाएगा, ठीक है। माना कि y इक्वल टू x के पावर साइन x प्लस x के पावर tan x, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब जैसे कि साइन x के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, साइन के बेस में देखते हैं, तो या तो इसको 1 cosec x कर दो, या फिर 1 cosec x को साइन x के बेस पे कर लो, या फिर tan x इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर साइन x के बारे में क्या होता है cos x होता है, तो साइन x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन एक्स
इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। और टेन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स के लिए आप लोग यहाँ पर करोगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स करोगे, ये कटेगा तो साइन एक्स आपको प्राप्त होगा ना, क्लियर। तो उसी के बेस पे यहाँ पर हो जाता है, ये क्लियरिटी आप लोगों को मिलेगी, क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं इसका आगे का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। तो माना कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स है, माना कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स है, माना कि यहाँ पर क्या है, एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर क्या है, टेन एक्स है। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं, समीकरण नंबर एक हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और मान लेते हैं भाई, अब एक और चीज़ मान लेते हैं यहाँ से कि अब u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स को मान लेते हैं समीकरण नंबर दो, और v इक्वल टू एक्स के पावर टेन एक्स को मान लेते हैं समीकरण नंबर तीन, क्लियर। तो y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स है, y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है प्लस एक्स के पावर टेन एक्स है, एक्स के पावर क्या है साइन एक्स है प्लस एक्स के पावर क्या है टेन एक्स है, एक्स के पावर क्या है साइन एक्स है प्लस एक्स के पावर क्या है टेन एक्स है। तो y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है प्लस एक्स के पावर टेन एक्स है समीकरण नंबर एक, u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है समीकरण नंबर दो, v इक्वल टू एक्स के पावर टेन एक्स है समीकरण नंबर तीन। तो y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स है समीकरण नंबर एक, और u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है समीकरण नंबर दो, v इक्वल टू एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर तीन। तो माना कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर एक, अब u इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स समीकरण नंबर दो, v इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर तीन, ठीक है। तो माना कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर एक, u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स समीकरण नंबर दो, v इक्वल टू एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर तीन। तो माना कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर एक, u इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स समीकरण नंबर दो, v इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर तीन हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा x पावर साइन x प्लस x पावर टेन x समीकरण नंबर एक, u इक्वल टू हो जाएगा x पावर साइन x समीकरण नंबर दो, v इक्वल टू हो जाएगा x पावर टेन x समीकरण नंबर तीन। तो माना कि y इक्वल टू हो जाएगा x पावर साइन x प्लस x पावर टेन x समीकरण नंबर एक, u इक्वल टू हो जाएगा x पावर साइन x समीकरण नंबर दो, v इक्वल टू हो जाएगा x पावर टेन x समीकरण नंबर तीन। तो जैसे कि हम लोग साइन के बेस में जानते हैं कि साइन x इक्वल टू 1 बाय cos x होता है, d dx साइन x इक्वल टू cos x होता है, d dx cos x इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन x होता है, d dx tan x इक्वल टू sec square x होता है, d dx sec x इक्वल टू sec x * tan x होता है, d dx cos x = cos x square x होता है, dx cos x = cos x * cos x होता है, dx log x 1 x dx a to the power x होता है, dx c = 0 होता है, dx a to the power x = a to the power x log a होता है, dx c = 0 होता है, dx sin inverse x = 1 by under root में 1 x square होता है, dx cos inverse x = 1 by under root में 1 x square होता है, dx tan inverse x = होता है 1 by 1 plus x square, dx यहां पर आप लोगों का cot inverse x = होता है -1 by 1 plus x square होता है, dx sec inverse x = होता है 1 by x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 होता है, डिवाइड x कोसेक इनवर्स x इक्वल टू होता है माइनस 1 बाय x अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस 1 के बेस में होता है, ठीक है। जैसे डिवाइड x log u प्लस v के बेस में हम लोग उस चीज को देखते हैं, तो log u और v के बेस में किस तरीके से होता है उस चीज को भी आप लोग जानते हैं कि डिवाइड x u इंटू वी के बेस में क्या होता है डी बाई डी एक्स, यहाँ पर कितना u होता है v होता है प्लस v होता है डी बाई डी एक्स, ये क्या होता है u होता है, या फिर यहाँ पर क्या होता है डी बाई डी एक्स यू बाई वी के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो क्या होता है v होता है, और डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाता है u हो जाता है माइनस u हो जाता है, और डी बाई डी एक्स ये क्या हो जाता है v हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v हो जाएगा डी बाई डी एक्स u हो जाएगा माइनस u डी बाई डी एक्स v हो जाएगा बाय में कितना हो जाएगा v का स्क्वायर हो जाएगा, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आप लोग वन, ये हो जाएगा आप लोगों का टू, ये आप लोगों का फर्स्ट के बेस पे हो जाएगा, और ये आप लोगों का क्या हो जाएगा सेकंड के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों का फर्स्ट कंटेंट के बेस में हो जाएगा, आप लोगों का सेकंड के बेस हो जाएगा। तो d / dx u v इक्वल टू u dv / dx v हो जाएगा प्लस v d / dx u के बेस हो जाएगा, d / dx u v के बेस हो जाएगा, और v d / dx u के बेस हो जाएगा माइनस u d / dx v के बेस हो जाएगा, क्लियर। तो यहां पर d / dx sin x इक्वल टू cos x के बेस होता है, d / dx cos x इक्वल टू sin x के बेस होता है, d / dx tan x इक्वल टू sec x के बेस होता है, d / dx cot x इक्वल टू माइनस cos x लेकिन हर एक चीज को मैं डील करता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ तो उस चीज को सुनते जाइए, हर एक चीज को बेसिक से बेसिक चीज को कब आता है क्यों आता है कैसा आता है हर एक चीज को बताया जाता है, केवल क्वेश्चन सॉल्व कराना मेरा काम नहीं है भाई, आप लोगों को मेमोराइज कराना उस चीज के बारे में अवगत कराना भी मेरी ड्यूटी है, क्लियर। तो इस चीज को आप लोग ये मत कि सर क्वेश्चन कोई क्यों नहीं बताते, इस टाइप से आपको होना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज के बेस पे आप लोग आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग कॉन्सेप्ट पर आते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा इस चीज को देखते हैं, अब यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा इस चीज को देखते हैं भाई,
वाई इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग यू प्लस भी लिख सकते हैं, यह हो जाएगा समीकरण नंबर चार। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यू प्लस भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू यू प्लस वी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर चार का, समीकरण चार का x के सापेक्ष, समीकरण चार का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर ठीक है, समीकरण चार का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इस चीज़ को देखेंगे, तो dy by dx इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा d by dx हो जाएगा, और u प्लस क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा dy by dx हो जाएगा, ये हो जाएगा du by dx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा dv by dx हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर पाँच। क्लियर, तो बेसिकली हमारे पास ये दिया गया कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर एक, u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स हाँ समीकरण नंबर दो, v इक्वल टू एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर तीन, तो y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर एक, u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स समीकरण नंबर दो, v इक्वल टू एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर तीन, y इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v समीकरण नंबर चार हो जाएगा। समीकरण नंबर चार का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx इक्वल टू dy by dx u प्लस v, dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx के बेस हो जाएगा। तो माना कि y इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर एक, अब u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स समीकरण नंबर दो, v इक्वल टू एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर तीन, y इक्वल टू हो जाएगा u प्लस v इक्वल टू समीकरण नंबर चार, समीकरण नंबर चार का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy by dx इक्वल टू dy by dx u प्लस v, dy by dx इक्वल टू du by dx प्लस dv by dx के बेस हो जाएगा। अब यहाँ से हमको पता है भाई कि अब यहाँ से हमको यह पता है कि u इक्वल टू क्या होता है, एक्स के पावर साइन एक्स, x के पावर साइन x ये होता है हमको पता है। अब क्या करते हैं दोनों पक्षों में, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग u इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर यहाँ पर u इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा, यहाँ पर u इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग u इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, लॉग u इक्वल टू ये सामने आ जाएगा साइन एक्स इंटू हो जाएगा लॉग एक्स। क्लियर, तो यहाँ पर u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में जब हम लोग लॉग लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स के पावर साइन एक्स के बेस हो जाता है, और लॉग u के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं साइन एक्स इंटू लॉग एक्स के बेस पे ये हो जाता है। ठीक है, तो इस बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं तो फिर भी इसके अकॉर्डिंग में क्या आता है, इस चीज़ के बेस पे हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो दोनों पक्षों u इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा, लॉग यू इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर, तो जब भी डी बाई डी एक्स के बेस हम लोग इस चीज को देखते हैं तो ये किस बेस पे आता है, इसके इस क्वेश्चन के बेस पे आप लोग इस चीज को जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग ये चीज जानते थे कि कॉट एक्स के बेस पे आप लोग ये चीज़ जानते थे कि कॉसेक एक्स के बटे में क्या होता है सेक एक्स, ये चीज़ बताया था। उसके बाद मैं ये चीज़ बताया था कि कॉसेक एक्स के बटे सेक एक्स जब भी होगा तो फिर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा, या फिर यहाँ पर हम लोग ये चीज़ जाने थे कि कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स के बटे क्या होता है टेन एक्स होता है, या फिर हम लोग इस चीज़ को ऐसा भी जान सकते हैं कि सेक एक्स के बटे टेन एक्स होगा तो फिर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स हो जाएगा। क्लियर, या फिर हम लोग ये चीज जानते थे कि sec x के बेस पे यहाँ पर क्या होता था sec x इक्वल टू क्या होता था tan x के बारे में क्या होता था भाई sin x होता था, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग जानते थे। तो इसको फर्स्ट के बारे में जाने थे, इसको सेकंड के बारे में, इसको थर्ड के बारे में, इसको फोर्थ के बारे में, इसको फिफ्थ के बारे में और सिक्स के बारे में हम लोग इस तरीके से जान सकते हैं tan x के बाय sin x इक्वल टू sec x, यहाँ से इस बारे में भी हम लोग जान सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस पर भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स आप लोगों का सेक एक्स के बेस पर क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स आप लोगों का कॉट एक्स के बेस पर क्या होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बेस पर होता है। तो उसी के बेस से जब हम लोग इस क्वेश्चन को देखें कि एक्स के पावर साइन एक्स
एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स के बेस पे, तो माना कि वाई इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर एक। अब यू इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स समीकरण नंबर दो, भी इक्वल टू एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर तीन। अब वाई इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस भी इक्वल टू समीकरण नंबर चार। समीकरण नंबर चार का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू प्लस भी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा समीकरण नंबर पाँच। अब यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स के पावर साइन एक्स, लॉग यू इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया था, माना कि वाई इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर एक, यू इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स समीकरण नंबर दो, और भी इक्वल टू हो जाएगा एक्स के पावर टेन एक्स, ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीन। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस भी इक्वल टू समीकरण नंबर चार। समीकरण नंबर चार का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो समीकरण नंबर चार के एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो dy by dx equal to dy dx u plus v होता है, dy by dx equal to du by dx plus dv by dx समीकरण नंबर पांच होता है। अब हम लोग इस चीज को जानते हैं कि u equal to x के पावर sin x, दोनों पक्षों में log लेने पर log u equal to log x के पावर sin x, log u equal to sin x into log x होता है। तो cot x के बेस पे हमारे पास जो क्वेश्चन के बेस पे आता है वो cot x के बेस पे क्या होता है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग ये चीज जानते हैं कि cot x equal to cosec x into cosec x, sec x into sec x equal to cot x, cosec x equal to sec x into tan x होता है, sec x by tan x इक्वल टू कोसेक एक्स होता है, सेक एक्स इक्वल टू टेन एक्स बाय साइन एक्स होता है, टेन एक्स बाय साइन एक्स इक्वल टू सेक एक्स होता है। तो जब भी सेक एक्स के बारे में हम लोग इस चीज को जानते हैं, चाहे वह कॉट एक्स के बेस हो, चाहे वह सेक एक्स के बेस हो, चाहे वह डी बाय डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स के बेस हो, चाहे डी बाय डी एक्स और कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स के बेस हो, चाहे डी बाय डी एक्स टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स के बेस हो, चाहे डी बाय डी एक्स सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इनटू टेन एक्स के बेस हो, चाहे डी बाय डी एक्स लॉग एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स के बेस हो, चाहे डी बाय डी एक्स ए टू द पावर एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लॉग ए के बेस हो। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के इसी क्वेश्चन इसी मेथड के बेस पे बताए जाते हैं भाई, चाहे वह इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यों ना हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं भाई, इसका समीकरण नंबर 5 हो गया। अब दोनों पक्षों में लॉग ले लिए भाई, तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग u इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग x के पावर कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा। लॉग u इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे तो यहां पर sin x * यहां पर कितना हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा। अब यहां पर क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पर देखिए एक सके सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ से एक सके सापेक्ष अवकलन करते हैं तो एक सके सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, इस चीज़ को देखते हैं भाई। देखिए एक सके सापेक्ष अवकलन कर देते हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है वन बाई यू आ जाएगा, वन बाई यू, और यहाँ पर आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। और आगे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा, कोष्टक में हमारे पास साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, आगे जब इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स के बेस पे तो आगे क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं तो वन बाई यू और यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकल गुणांक प्लस द्वितीय फलन प्लस प्रथम फलन का क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का साइन एक्स के बेस पे। क्लियर? तो चलिए वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन x और d by dx log x plus log x d by dx sin x के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं तो यहां पर कितना आ जाएगा, इस चीज को हम लोग देखते हैं तो यहां पर हो जाएगा 1 by u और यहां पर हो जाएगा du by dx equal to यहां पर कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स क्या होता है वन बाई एक्स होता है प्लस यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा और यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है सॉरी कॉस एक्स होता है ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखें कि यू इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स है, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग यू इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा, लॉग यू इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स साइन एक्स के बेस हो जाएगा तो वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटू वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स के बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो वन बाई यू और यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स के बाय एक्स हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा इस चीज को लॉग एक्स इंटू यहाँ पर क्या बच जाएगा कॉस एक्स बच जाएगा। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर यू आ जाएगा
जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन एक्स के बाय एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा लॉग एक्स इंटू यहाँ पर क्या बच जाएगा कॉस एक्स बच जाएगा। अगर यू का फार्मूला के बेस पे यू जो चीज़ को माने भाई उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो यू का वैल्यू हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू यू का पावर हो जाएगा एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई साइन एक्स के बाय में एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर छः मान लेते हैं भाई, इस चीज़ को हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण नंबर छः मान लेते हैं। तो समीकरण नंबर छः के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देख लिए थे कि यू के बेस पे क्या है, तो यहाँ पर आप लोग यू के बेस पे हम लोग इस चीज़ को माने थे कि एक्स के पावर साइन एक्स के बेस पे माने थे और वी को माने हैं एक्स के पावर टेन एक्स के बेस पे माने हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिखे हैं कि यू इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिखे कि x के पावर साइन x है दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर log लेने पर, तो log u इक्वल टू हो जाएगा log x के पावर साइन x हो जाएगा, log u इक्वल टू साइन x इंटू log x हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन x इंटू log x, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन x इंटू log x। और जब हम लोग अगले स्टेप में देखते हैं तो ये आता है भाई 1 by u du by dx और sin x पहले आ गया प्रथम फलन गुणित द्वितीय फलन का अवकलन गुणांक प्लस द्वितीय फलन गुणित प्रथम फलन का अवकलन गुणांक। इस बेस से अगर देखेंगे तो 1 by u du by dx equal to sin x d by dx log x plus log x d by dx sin x, तो 1 by u du by dx equal to sin x log x का 1 by x plus log x sin x का cos एक्स होता है भाई। साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, क्लियर। कॉड एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक एक्स का क्या होता है कोसेक एक्स इंटू क्या होता है कॉड एक्स का बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉड एक्स के बेस में देखते हैं तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू साइन एक्स के बाय में एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स के बेस में देखते हैं तो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स के बाय में एक्स हो जाएगा प्लस लॉग एक्स नीचे में क्या हो जाएगा आप लोगों का कॉस एक्स के बेस पे, ये सारी ये चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये आ गया, जब हमारे पास ये चीज़ दिया गया है कि वाई इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर एक के बेस में, यदि यू इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स समीकरण नंबर दो, यदि वी इक्वल टू एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर तीन, यदि वाई इक्वल टू यू प्लस वी समीकरण नंबर चार, समीकरण नंबर चार का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण चार का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx equal to d by dx u plus v dy by dx equal to du by dx plus dv by dx समीकरण नंबर पांच। अब u equal to क्या हो जाएगा भाई x के पावर sin x दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग यू इक्वल टू कितना हो जाएगा लॉग एक्स के पावर क्या हो जाएगा साइन एक्स, लॉग यू इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो माना कि वाई इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स, माना कि वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या है एक्स के पावर साइन एक्स प्लस एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर एक, यू इक्वल टू एक्स के पावर साइन एक्स समीकरण नंबर दो, वी इक्वल टू एक्स के पावर टेन एक्स समीकरण नंबर तीन, वाई इक्वल टू हो जाएगा यू प्लस वी समीकरण नंबर चार, समीकरण नंबर चार का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dx equal to d by dx u plus v dy by dx equal to du by dx plus dv by dx समीकरण नंबर पांच। अब u equal to x के पावर sin x दोनों पक्षों में log लेने पर log u equal to log x के पावर sin x log u equal to sin x into log x x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1 by u du by dx equal to d by dx sin x into log x, 1 by u du by dx equal to sin x d by dx log x d by dx sin x हो जाएगा, 1 by u du by dx equal to sin x प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकल गुणांक, द्वितीय फलन प्रथम फलन का अवकल गुणांक, फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट के बेस आप लोगों को ये चल रहा है भाई। तो sin x d by dx log x का 1 by x हो जाएगा, log x d by dx sin x का cos x हो जाएगा, तो 1 by u du by dx sin x हो जाएगा के बाय में x हो जाएगा, log x हो जाएगा cos x का cos x हो जाएगा, du dx equal to u हो जाएगा sin x के बाय में x हो जाएगा plus log x into cos x के बेस हो जाएगा, du by dx के बेस में x के पावर sin x के बाय में x plus log x into cos x के बेस हो जाएगा। अब यहां से मानते हैं v के बेस पे भाई, अब यहां पर दिया गया है v equal to दिया गया है x के पावर 10x। अब v के टर्म है देखिए, अब v equal to दिया गया है x के पावर 10x, अब यहां पर क्या दिया गया है v equal to दिया गया है x के पावर 10x।
दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग भी इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स के पावर 10x। चलिए तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर 10x हो जाएगा। भी का पावर क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर 10x हो जाएगा। भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर 10x हो जाएगा। भी का पावर कितना हो जाएगा, भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x के पावर 10x हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर लॉग भी इक्वल टू हो जाएगा लॉग x के पावर 10x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लॉग के नियमानुसार यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग भी इक्वल टू हो जाएगा 10x इंटू लॉग x हो जाएगा। 10x इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। तो log भी इक्वल टू हो जाएगा 10x इंटू log x हो जाएगा। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो log भी इक्वल टू हो जाएगा 10x इंटू log x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 बाय भी यह हो जाएगा dv by dx इक्वल टू हो जाएगा d by dx ब्रैकेट 10x इंटू log x। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स और 10x इंटू लॉग एक्स के बेस में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग भी इक्वल टू लॉग एक्स और 10x, लॉग भी इक्वल टू 10x इंटू लॉग एक्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर x के पावर sin x प्लस x के पावर 10x इक्वल टू y इक्वल टू यहाँ पर दिया गया x के पावर sin x प्लस x के पावर 10x समीकरण नंबर 1 के बेस में दिया गया है। यदि u इक्वल टू x के पावर sin x समीकरण नंबर 2, v इक्वल टू x पावर 10x समीकरण नंबर 3, y इक्वल टू u प्लस v इक्वल टू समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy / dx इक्वल टू dy / dx u + v, dy / dx इक्वल टू du / dx + dv / dx समीकरण नंबर 5। अब u इक्वल टू हो जाएगा x पावर sin x, दोनों पक्षों में log लेने पर log u इक्वल टू हो जाएगा log x के पावर sin x हो जाएगा, log u इक्वल टू sin x * log x हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो 1 / u du / dx इक्वल टू dy / dx sin x * log x, 1 / u du / dx इक्वल टू हो जाएगा sin x * d by dx log x plus log x d by dx sin x, 1 by u du by dx equal to sin x into 1 by x plus log x cos x हो जाएगा, 1 by u du by dx equal to sin x by x हो जाएगा plus log x into cos x du by dx equal to u sin x by x plus log x into cos x du by dx equal to x sin x by x plus log x into cos x। अब v equal to x 10x हो जाएगा, दोनों पक्षों में log लेने पर log v equal to log x के पावर 10x, log v equal to 10x into log x x सापेक्ष अवकलन करने पर 1 by v dv by dx इक्वल टू डी बाई डी एक्स 10x इंटू लॉग एक्स के बेस हो जाएगा। तो आगे का स्टेप को देखते हैं, तो आगे का स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है भाई, यह हो जाएगा 10x d by dx, 10x हो जाएगा 10x d by dx, 10x d by dx यहाँ पर कितना हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस log x हो जाएगा, log x हो जाएगा d by dx यहाँ पर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। क्लियर, तो इस बीच पे हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 1 by v के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो 1 by v ये हो जाएगा dv by dx इक्वल टू हो जाएगा 10x, 10x इंटू लॉग एक्स का 1 by x प्लस ये हो जाएगा log x हो जाएगा इंटू 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि 1 by v और ये हो जाएगा dv by dx इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर 10x के बाय में x होता है प्लस यहाँ पर कितना होता है log x इंटू क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। क्लियर, आगे इस चीज को देखते हैं, dv by dx इक्वल टू यहाँ पर भी हो जाएगा ब्रैकेट में ये हो जाएगा 10x के बाय में x हो जाएगा प्लस log x, log x इंटू sec स्क्वायर x ये हो जाएगा। ठीक है, आगे इस चीज़ को देखते हैं, हमारे पास ये हो जाएगा dv by dx इक्वल टू भी हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10x के बाय में x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा log x इंटू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x के बेस हो जाएगा। भी का वैल्यू को रख दो भाई, तो यहाँ पर dv by dx इक्वल टू भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, भी का वैल्यू दिया गया है x के पावर 10x, तो x के पावर 10x हो जाएगा, इसको जैसा को वैसा लिख दो भाई, यहाँ पर फिर आपका आंसर आ जाएगा 10x के बाय x प्लस यहाँ पर आ जाएगा log x इंटू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 6 व 7 का मान, समीकरण 6 व 7 का मान, 7 का मान समीकरण 5 में रखने पर,
समीकरण 5 में रखने पर तो आपका आंसर आ जाएगा x के पावर sin x, sin x के बाय में x हो जाएगा प्लस log x into cos x हो जाएगा प्लस x के पावर tan x हो जाएगा, बाय में हो जाएगा tan x के बाय में x हो जाएगा प्लस यहां पर कितना हो जाएगा log x हो जाएगा into यहां पर हो जाएगा sec square x। ये आप लोगों के आंसर रहेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड नंबर के बेस पे था, जब हम लोग देखे माना कि y इक्वल टू x का पावर sin x प्लस x का पावर tan x के बेस पे देखे। चलिए इसका आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।